हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज पे। दोस्तों आज हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे Redmi Note 7 Pro वर्सेस Poco F1 और देखेंगे इन दोनों फोन्स में से किस फोन का कैमरा जो है बेटर परफॉर्म कर लेता है। Redmi Note 7 की बात करें तो यहां पर आपको फ्रंट में 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने मिलता है विथ एपर्चर 2.0। रियर में आपको 48+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 48 MP का जो कैमरा है उसका एपर्चर है f1.79 और जो 5 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया है उसका एपर्चर f2.2। वही बात करें Poco F1 की तो Poco F1 में आपको फ्रंट में 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने मिलता है विथ एपर्चर 2.0। और बात करते हैं रियर कैमरा की तो रियर में आपको 12+5 MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 12 MP का जो कैमरा है उसका एपर्चर है f1.9 और जो 5 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया है उसका एपर्चर है f2.2। तो देखते हैं यहाँ पर जो है 48 MP 12 MP पे भारी पड़ता है या फिर 12 MP 48 MP पर भारी पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब जो आप ये तीन इमेजेस देख पा रहे हैं इनमें से दो को मैंने Redmi Note 7 Pro के जरिए कैप्चर किया और तीसरा जो आखिरी इमेज है उसे मैंने Poco F1 के जरिए कैप्चर किया है। यहाँ पर जो पहला इमेज है उसे मैंने Redmi Note 7 Pro के 48 MP को एनेबल करके कैप्चर किया था, दूसरा जो है मैंने नॉर्मली कैप्चर किया था और तीसरा जो है Poco F1 के रियर कैमरा से मैंने कैप्चर किया है। तो यहाँ पर आप तीनों इमेजेस में बेसिक डिफरेंट देख पा रहे होंगे। जो बेसिक डिफरेंट मुझे नजर आया वह है कलर टोन, बाकी यहाँ पर क्वालिटी वाइज तीनों इमेजेस में कुछ भी खास डिफरेंट मुझे नहीं नजर आया। इवन मैं आपको यहाँ पर हल्क पे जूम करके दिखा रहा हूं तो देखिए यहाँ पर तीनों इमेजेस में जो हल्क है वो काफी अच्छे तरीके से फोकस हुआ है, इमेज तीनों का ही काफी शार्प है। कुछ भी खास यहाँ पर जो है डिटेल्स में लॉस या फिर डिफरेंट वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला। इवन मैंने Redmi Note 7 Pro का 48 और नॉर्मल इमेज का भी एक कंपेयर किया है, आप आई बटन पे लिंक है जाकर चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं 48 और नॉर्मल लेंस में क्या ज्यादा डिफरेंट है Redmi Note 7 Pro का। बाकी इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। Poco F1 के साथ Redmi Note 7 Pro का मुझे कुछ भी खास डिफरेंट देखने को नहीं मिला। जो डिफरेंट मुझे देखने को नजर आया वो बेसिकली कलर टोन में, कलर टोन जो है Poco F1 का काफी हद तक आपको नेचुरल देखने को मिलता है Redmi Note 7 Pro के मुकाबले। Redmi Note 7 Pro में जो है आपको काफी पंची कलर देखने को मिलता है, बट एक एडवांटेज है पंची कलर जो है सोशल मीडिया में लोगों को काफी पसंद आता है। तो बेसिकली Redmi Note 7 Pro का जो पंची कलर है काफी लोगों को पसंद आएगा, बट Poco F1 का भी जो है काफी लोगों को इमेजेस पसंद आएगा नेचुरल कलर। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको Poco F1 का इमेज पसंद है या फिर Redmi Note 7 Pro का। सो फ्रेंड्स, अब जो आप ये तीन इमेजेस देख पा रहे हैं इसे मैंने लो लाइट में कैप्चर किया है Redmi Note 7 Pro के 48 MP को एनेबल करके, दूसरा जो है Redmi Note 7 Pro का नॉर्मल इमेज, तीसरा जो है Poco F1 के रियर कैमरा से मैंने कैप्चर किया है। और तीनों ही लो लाइट इमेजेस आपको एक जैसे नजर आएंगे, कुछ भी डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। डिटेल्स के मामले में तीनों ही एक जैसे है, इवन मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूं तो देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स है तीनों का एक जैसा है, इवन कलर टोन भी काफी हद तक तीनों का एक है। यहाँ पर जो है डिफरेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। बाकी ये है नेक्स्ट इमेज जो कि आप अभी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आपको हल्का सा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। Redmi Note 7 Pro का जो 48 है इवन नॉर्मल जो इमेज है दोनों में आपको काफी पंची कलर देखने को मिलेगा, जबकि Poco F1 में यहाँ पर जो है नेचुरल इमेजेस कैप्चर हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कलर टोन में ही डिफरेंट देखने को मिलता है, बाकी इमेज के डिटेल्स में जो है आपको कुछ भी खास डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा Redmi Note 7 Pro और Poco F1 का। अब जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं इसे मैंने नाइट शॉट को एनेबल करके कैप्चर किया है, दोनों ही फोन में आपको नाइट शॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इमेज की बात करें तो जो बढ़िया नाइट शॉट इमेज आया वो Redmi Note 7 Pro का आया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्लियर तौर पर Redmi Note 7 Pro जो है नाइट शॉट में विनर रहता है। यहाँ पर लाइट ज्यादा गैदरिंग करना है, डिटेल्स भी काफी बढ़िया ले रहा है Poco F1 के मुकाबले। तो यहाँ पर जो नाइट शॉट का इमेज है वो आपको Redmi Note 7 Pro में बेटर देखने को मिलेगा Poco F1 के मुकाबले। बात करते हैं पोर्ट्रेट इमेज की तो दोनों ही जो है काफी बढ़िया पोर्ट्रेट इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बैकग्राउंड ब्लर है दोनों का काफी अच्छे तरीके से हुआ है। इवन आप चाहे तो बाद में बैकग्राउंड ब्लर को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, दोनों में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट इमेज में आपको जो है कुछ भी खास डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों का एज डिटेलिंग काफी बढ़िया है।
जो डिफरेंट है बेसिकली वो नॉर्मल इमेज की तरह आपको कलर टोन में देखने को मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी खास डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। और Redmi Note 7 Pro में आपको जो है 48 मेगापिक्सल को एनेबल करके पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर नहीं कर सकते हैं, आपको 12 मेगापिक्सल के कैमरे से ही जो है पोर्ट्रेट इमेजेस कैप्चर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट इमेज है वो बेसिकली दोनों का ही काफी बढ़िया है, बाकी आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। किसी किसी को नेचुरल कलर पसंद आता है, किसी किसी को पंची कलर पसंद आता है। Redmi Note 7 Pro में पंची कलर है और Poco A1 में नेचुरल कलर है। बाकी आप नीचे कमेंट स्क्रीन में कमेंट करके बताइए आपको इन दोनों पोर्ट्रेट शॉट में से किसका पोर्ट्रेट शॉट पसंद आ रहा है, Poco A1 या फिर Redmi Note 7 Pro। इवन बात करें लो लाइट पोर्ट्रेट शॉट की तो दोनों ही जो है लो लाइट में भी काफी बढ़िया पोर्ट्रेट इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो बेसिक डिफरेंट आपको नजर आएगा वो डी लाइट की तरह ही आपको जो है कलर टोन में देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पर कुछ भी खास डिफरेंट नहीं है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको लो लाइट में किसका पोर्ट्रेट इमेज पसंद आया, पोको F1 या फिर Redmi Note 7 Pro। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं इन दोनों के रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों ही वीडियो फुल HD में रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जो आवाज सुन पा रहे हैं इन दोनों के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया है जिसे मैं स्विच करके सुना रहा हूँ। और यहाँ पर दोनों फोन्स में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट मैं यहाँ पर फुल HD में वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो वीडियो है वो सिर्फ फुल HD में ही रेंडरिंग करूंगा, और 4K में जो है दोनों में ही कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, इस वजह से मैं यहाँ पर फुल HD में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि ज़्यादातर लोग जो है फुल HD में ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, 4K में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर फुल HD वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आपको बेहतर तरीके से नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो Poco A1 का वीडियो क्वालिटी है वो बेहतर नजर आएगा। इवन यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो भी काफी बेहतर है Poco A1 में। अगर मैं चलकर दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख पाएंगे जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको Poco A1 में काफी बेहतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो Poco A1 का आपको बेहतर देखने को मिलता है Redmi Note 7 Pro के मुकाबले। हालांकि यहाँ पर फोकस की बात कर लेते हैं तो फोकस यहाँ पर जो है मुझे दोनों का एक जैसा ही लग रहा है, कुछ भी खास डिफरेंट नहीं लग रहा है। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इन दोनों वीडियोस में से कौन सा वीडियो पसंद आया। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं लो लाइट में शूट कर रहा हूँ इन दोनों के रियर कैमरा से। लो लाइट वीडियो क्वालिटी बात करें तो यहाँ पर दोनों का ही लो लाइट वीडियो क्वालिटी मुझे ठीक ठाक नजर आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बट यहाँ पर जो कलर टोन है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। Redmi Note 7 Pro का जो कलर टोन है वो थोड़ा सा पंची है, और Poco A1 का जो कलर टोन है वो काफ़ी हद तक नेचुरल देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर जो है लो लाइट वीडियो क्वालिटी में मुझे कुछ खास डिफरेंट देखने को नहीं मिला, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बात करते हैं सेल्फीज की, तो यहाँ पर सेल्फी में जो है क्लियर तौर पे Poco F1 यहाँ पर जो है बाजी मारता हुआ दिखेगा, क्योंकि Poco F1 में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिस वजह से डिटेल्स जो है सेल्फी में Poco F1 बेहतर कैप्चर करता है Redmi Note 7 Pro के मुकाबले। बट Redmi Note 7 Pro का भी जो है सेल्फी काफी बढ़िया है 13 मेगापिक्सल के हिसाब से। इवन बात करें पोर्ट्रेट सेल्फी की, तो यहाँ पर अगर छोड़ दे दोनों कैमरा को 20 या फिर 13 का कंपेयर करना, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों ही इक्वली बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं, एज डिटेलिंग दोनों का एक जैसा है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट सेल्फी के मामले में कुछ भी खास डिफरेंट नहीं है। हालांकि Poco F1 में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, तो क्वालिटी वाइज जो है Poco F1 यहाँ पर विनर रहता है। बाकी Redmi Note 7 में भी जो है काफी बढ़िया पोर्ट्रेट सेल्फी वगैरह आता है 13 मेगापिक्सल कैमरा के हिसाब से। बात करते हैं लो लाइट सेल्फीज की, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, आपको जो है Poco F1 का जो सेल्फी है वो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है, बट Poco F1 में आपको येलो टोन हल्का सा ज्यादा देखने को मिलेगा लो लाइट में। जबकि Redmi Note 7 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको हल्का सा ब्लू टोन ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लो लाइट सेल्फी दोनों का ही कुछ खास अच्छा नहीं है, बट डिटेल्स जो है Poco F1 ऑब्वियसली बेहतर कैप्चर कर रहा है 20 मेगापिक्सल कैमरा होने के कारण। इवन पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करें तो बैकग्राउंड ब्लर दोनों का एक जैसा है, और डिटेल्स के मामले में Poco F1 जो है बेटर है, क्योंकि 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेल्फी है उसमें जो है Poco F1 जो है विनर रहता है Redmi Note 7 Pro के मुकाबले, बट Redmi Note 7 Pro का भी सेल्फी जो है 13 मेगापिक्सल के हिसाब से काफी सही है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं इन दोनों के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों ही वीडियो फुल HD में रिकॉर्ड किया जा रहा है। आवाज जो सुन पा रहे हैं इन दोनों के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया जिसे मैं स्विच करके सुना रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिल जाता है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है Poco F1 का वीडियो क्वालिटी आपको बेहतर देखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro के मुकाबले, क्योंकि Redmi Note 7 Pro में आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिलता है, और Poco F1 में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिलता है। तो ऑब्वियसली Poco F1 का जो वीडियो क्वालिटी आपको बेहतर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कलर टोन वगैरह भी जो
है पोको F1 का काफी हद तक आपको नेचुरली देखने को मिलता है और Redmi Note 7 Pro में उतना खास नेचुरल देखने को नहीं मिलता है। हालांकि Redmi Note 7 में आपको हल्का सा वाइड एंगल ज्यादा देखने को मिलेगा पोको F1 के मुकाबले, और दोनों ही में जो है कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है। तो अगर मैं चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपको शेक नजर आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब जब ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं लो लाइट में शूट कर रहा हूँ इन दोनों के फ्रंट कैमरा से, और लो लाइट वीडियो क्वालिटी की बात करें तो दोनों का ही लो लाइट वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक नजर आ रहा है। हालांकि पोको F1 का जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको काफी बेहतर देखने को मिलता है Redmi Note 7 Pro के मुकाबले, क्योंकि पोको F1 में आपको फ्रंट में 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और वहीं Redmi Note 7 में आपको 30 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बट Redmi Note 7 का भी जो है काफी बढ़िया वीडियो क्वालिटी है लो लाइट में 30 MP के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मेरे ओपिनियन की बात करें तो Redmi Note 7 Pro इवन Poco F1 दोनों का ही इमेजेस मुझे काफी बढ़िया लगा। Redmi Note 7 Pro से आप थोड़ा पंची कलर इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, Poco F1 में जो है नेचुरल इमेजेस कैप्चर होते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट करना रियर कैमरा से जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए कलर के मुकाबले। बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दोनों ही काफी बढ़िया डिटेल्स कैप्चर करते हैं। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोको F1 विनर रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 13 MP के हिसाब से Redmi Note 7 Pro का भी जो है इमेजेस काफी बढ़िया है। बाकी आप नीचे कमेंट स्क्रीन में कमेंट करके बताइए आपको पोको F1 का कैमरा पसंद है या फिर Redmi Note 7 Pro का। आप में से काफी लोग ये भी कमेंट करने वाले हैं जे Redmi Note 7 Pro का जो प्राइस है वो 14,000 समथिंग है और पोको F1 का जो है 20,000 है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके 6GB वाले वेरियंट को बाय करते हैं तो समथिंग आपको 17,000 से 18,000 रुपया पे करना पड़ेगा। वहीं पोको F1 का प्राइस जो है घट रहा है धीरे धीरे, 18,000 समथिंग जो है फ्लिपकार्ट में कुछ दिन पहले मिल रहा था। तो यहाँ पर आपके चॉइस पर डिपेंड करता है आप जो है इसके साथ जाएगा या फिर इसके साथ, बाकी आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप आप सभी को मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन यानी कि कैमरा रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इन दोनों फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल के साथ।